The internet is full of bro science fake knowledge, half-information, or propaganda. Your quest of reliable, authentic health information ends here. So subscribe this channel and hit the bell icon, and you never have to go anywhere else ever again. Hello everyone! Namaskar, adab, Sat Sri Friends, today we will talk about if your urine mein agar यानी कि आर बी सीज रेड ब्लड सेल्स अगर आपके यूरिन में आने लगे दिखने लगे तो उसका क्या मतलब है और उसमें आपको करना क्या चाहिए सो so, यूरिन में नॉर्मली बहुत ही ज़्यादा लाल यूरिन आता है तभी वो आँखों से दिखेगा वरना छोटे मोटे आर बी सीज आ सकते हैं और क्या आप मानेंगे कि थोड़े से आर बी सी इक्का दुक्का आर बी सी आना नॉर्मल भी माना जा सकता है बहरहाल कभी कभार नॉट ऑलवेज बट यस लेट्स टॉक अबाउट दिस यूरिन एनालिसिस हम इसको कहते हैं जिसको उनमें यूरिन आपके पेशाब की रूटीन माइक्रोस्कोपी में माइक्रोस्कोप के नीचे देख के जांच होती है उसको कहते हैं यूरिन एनालिसिस उसमें आप देख सकते हैं कि यूरिन में ब्लड है कि नहीं है और इसकी ऑटोमेटिक मशीन भी आती है ठीक है और इसके लिए क्या है डिफरेंट दिफरें डिफरेंट केमिकल्स डिफरेंट दिफरें डिफरेंट सेल्स को देखते हैं चेक करते हैं और ब्लड भी दिखाई दे सकता है प्रोटीन दिखाई दे सकता है पस सेल्स दिखाई दे सकते हैं लिम्फ क्या बोलते हैं इसको लिम्फोसाइड्स दिखाई दे सकते हैं बहुत कुछ दिखाई दे सकता है ठीक है बैक्टीरिया uh, दिखाई दे सकते हैं ठीक है तो व्हाइट ब्लड सेल भी दिखाई रेड ब्लड सेल दिखाई दे सकते हैं सो so, ऐसे किसी केस में अगर रेड ब्लड सेल्स आपके बहुत ज़्यादा आ रहे हैं ठीक है कायदे से तो नहीं आने इक्का तुक्का कभी कभार आ सकते हैं बट ज़्यादा आ रहे हैं दैट मीन्स कहीं से ब्लीडिंग हो रही है यानी कि किडनी या किडनी के रास्ते पेशाब के रास्ते में कहीं दिक्कत हो रही है और लिवर में भी दिक्कत हो सकती हो कि लिवर जो है खून क्लॉटिंग फैक्टर्स को कंट्रोल करता है खून की क्लॉटिंग को कंट्रोल करता है एक तरीके से बनाता है और वहाँ पर प्रॉब्लम होने से ब्लीडिंग हो सकती है कहीं से भी सो so, लिवर किडनी इन टाइप की बीमारियों में हो सकता है पेशाब में खून ज़्यादा है तो किस पेशेंट को जरूरी है इसका टेस्ट करवाना जिस पेशेंट को यूरिन में जलन है दर्द है बार बार यूरिन आ रहा है बैक पेन या लोअर बैक पेन है या पेट में नीचे के हिस्से में दर्द है ठीक है ऐसे पेशेंट्स में यूरिन की जांच करनी चाहिए खासकर अगर दर्द लगातार हो रहा है और ज़्यादा हो रहा है ठीक है सो so, यूरिन की जांच ऐसे पेशेंट्स में डॉक्टर वैसे भी लिखना चाहिए अब क्या आ सकता है देखो बहुत सारे कारण हो सकते हैं यूरिन में ब्लड आने के और कई सारे कारण मेजर नहीं होते क्योंकि कभी कभार कुछ दवाइयों के साइड इफेक्ट से कुछ ज़्यादा इंटेंस एक्सरसाइज करने से कुछ सेक्सुअल एक्टिविटी से या इवन मैंसटूरेशन फीमेल्स में मेंसेस के टाइम पर थोड़ा बहुत यूरिन आ सकता है अगेन स्मॉल अमाउंट यूरिन में ब्लड आ सकता है तो लार्ज अमाउंट अगर आपके यूरिन में आरबीसी आ रहा है तब जरूर है कि वो कंसर्निंग हो जाता है सो नॉर्मल रिजल्ट का मतलब क्या है कि अगर आपके इसमें एक फील्ड जो हम देखते हैं ठीक है हाई पावर फील्ड बोलते हैं इसको अगर उसमें चार या उससे कम है चार से कम ठीक है आ, आपके आरबीसीज हैं तो फिर उसको बोल सकते हैं कि माइक्रोस्कोप के नीचे दिखें चार से कम दिखें ठीक है चलो नॉर्मल है ठीक है अगर उससे ज्यादा आते हैं नॉर्मल वैल्यू से स्लाइटली या पाँच छः है सोचो दस बारह है पचास है तो भैया ज्यादा हो गया है ना बहुत ज़्यादा हो गया ना तो ऐसे केस में आपके नॉर्मल वैल्यूज दी होगी उनको उनके लैब के हिसाब से उससे कंपेयर करना है ओके और अब नॉर्मल का मतलब है बहुत ही ज़्यादा मात्रा में यूरिन में आपके ब्लड यानी आर लाल वाले सेल आ रहे हैं अगेन याद रखिए मतलब कि ऐसा आ रहा है तो क्या क्या हो सकता है नंबर एक किडनी ब्लैडर पिशाब का ब्लैडर किडनी या यूरिनरी ट्रैक्ट में पेशाब के रास्ते में कहीं भी कोई भी इंफ्लामेशन या इंफेक्शन होना पहला कारण दूसरा कारण हो सकता है किडनी या पिशाब के रास्ते में कहीं पर स्टोन होना ठीक है इन्फेक्शन स्टोन या कैंसर भी हो सकता है अभी पहले नंबर पर कैंसर लिखा है मतलब कैंसर ही कारण नहीं है ठीक है ऐसा है वो हमने एक एक और एक बंदे को बताया भाई घर में आपको अगर जलने की स्मेल आ रही है तो सीधा ऐसा आग लग रही है इसका मतलब ये नहीं है कि वहां पे बॉम्ब ही फटने वाला है है ना तो गूगल पे सर्च करोगे तो एटम बॉम हो सकता है ये बॉम हो सकता है गैस सिलेंडर फट रहा हो सकता है किसी ने फटाखा फोड़ा हो सकता है सारे कारण लिख देगा आप पगड़ा जाओगे फिर उसमें कुछ जल रहा है भाई है कि नहीं घर के किचन में कुछ जल रहा है तुम्हारा दूध जल रहा है सड़ गया ये जो गया तो कुछ और कारण हो सकता है ऐभी टेंशन मत लिया करो समझे जहां पे बाप रे इसमें भी कैंसर उसमें भी कैंसर दो आर दो आरबी से ज्यादा आ गए मेरे को कैंसर तो नहीं है लोग पगला जाते हैं पगला इन द सेंस बिकम बम में जिज्ञासा में बार बार उत्सुक होकर परेशान हो जाते हैं ऐसे परेशान मत होइएगा ये कारण लिस्ट करे हैं ठीक है, है? जा उसको इन्वेस्टिगेट करने का काम है डॉक्टरों का ठीक है सो किसी भी तरीके का इंफ्लामेशन इंजरी इन्फेक्शन ठीक ग्रोथ किडनी पिशाब की थैली पेशाब के रास्ते यूरिनरी ट्रैक्ट में हो या प्रोस्ट्रेट में हो प्रोस्ट्रेट ग्रंथी है मेल्स में होती है जिसके थ्रू पिशाब का रास्ता निकल के आता है ठीक है वहां इवन फीमेल्स में मेंस्ट्रुअल इश्यू हो ज्यादा तो भी आ सकता है सो डब्ल्यू बी सी इज वॉट व्हाइट ब्लड सेल्स तो व्हाइट ब्लड सेल ज्यादा होने का क्या कारण है वो भी देख लेते हैं अगर व्हाइट ब्लड सेल ज्यादा है इसका मतलब है यूरिनरी ट्रैक्ट में बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकता है नंबर वन रीजन इसीलिए व्हाइट ब्लड सेल डब्ल्यू यानी व्हाइट ब्लड सेल्स में जब पस बन जाती है पस सेल्स भी वही बन जाते हैं व्हाइट ब्लड सेल्स ठीक है सो व्हाइट ब्लड सेल ज्यादा है तो इन्फेक्शन मान के एंटीबायोटिक दिया जाता है इन्फ्लामेशन के वजह से भी हो सकता है किडनी में इंजरी में डैमेज होने की वजह से तो डॉक्टर से मिलना जरूरी हो जाता है सो so ये कारण होते हैं डब्ल्यू बी बढ़ने के तो अच्छा लगा वीडियो समझ आई कुछ बात तो भैया इस टाइप के लाल बटन कलर है सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए शेयर करिए इस वीडियो को और कोई सवाल है नीचे लिखिए अगले वीडियो में मिलते हैं डॉक्टर परमजीत स्टे कनेक्टेड स्टे हेल्दी